अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। 7 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमने उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है यूनिट 7 की। तो क्वेश्चन 2 है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखें, तकरीबन ये सारे सवाल जो है ना क्लियर हम लोगों ने किए हुए हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट देखें, डिफाइन एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन है जो हम लोगों ने स्टार्ट में भी दी थी, 7 यूनिट जब स्टार्ट किया था। तो पूछा जा रहा है एंगल क्या है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद द सेम कॉमन एंड पॉइंट। कि एंगल क्या होता है, टू नॉन कोलिनियर रेस होती हैं और जिनका एंड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, उनके यूनियन को कहते हैं एंगल। दीज रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये रेज आर्म्स कहलाती हैं, एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अब देखें, अगर यहाँ पर मैं एक एंगल ड्रॉ करूँ, ये टू रेज हैं, ये कॉमन पॉइंट है, ये ओ ए रे है और ये ओ बी। ये रेज क्या कहलाती हैं, इसके आर्म्स कहलाते हैं, यानी ओ ए और ओ बी क्या है, इसके दोनों आर्म्स हैं। ओ क्या है, इसका वर्टेक्स है, और कॉमन एंड पॉइंट भी है, क्योंकि यहीं से ये दोनों का यूनियन कर रहा है जो कि एक एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो ये एंगल की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखें, सेकेंड डेफिनेशन है, व्हाट इज द सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स। एंगल्स का जो सेक्सागेसिमल सिस्टम है वो क्या है। द सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड, यानी डिग्री मिनट और सेकेंड्स में एंगल को मेजर करना क्या कहलाएगा, सेक्सागेसिमल सिस्टम कहलाएगा। इसको भी हम लोगों ने डिटेल के साथ अपनी लास्ट वीडियोस में किया हुआ है जब एक्सरसाइज की थी। हाउ मैनी, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट आर देयर इन टू राइट एंगल्स। के दो राइट एंगल हैं और उसमें कितने मिनट्स होंगे। अब देखें, जो राइट एंगल होता है ना वो 90 का होता है, तो टू राइट एंगल्स कितने हो जाएंगे, 180, 90 प्लस 90, तो ये हो गया डिग्री था 180। इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 108,00, क्या हो गया, मिनट। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 10,800 मिनट होते हैं 290 टू राइट एंगल्स में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल का जो रेडियन मेजर है क्या कहलाता है, क्या होता है। द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक ऐसा एंगल जो सेंटर ऑफ अ सर्कल पे बन रहा हो, बाय एन आर्क, एक आर्क के साथ, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ क्या हो, आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। यानी लेंथ और आर्क दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा मेजरमेंट जो है एंगल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास 5 है, कन्वर्ट पाई ओवर 4 रेडियन टू डिग्री मेजर। यानी ये हमारे पास रेडियन है और इसे किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई ओवर 4 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, पाई पाई से कट जाएगा और 180 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 16 7 8 20 आ गया, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। यानी रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते थे और डिग्री को रेडियन में करने के लिए इसका ऑपोजिट कर देते थे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 रेडियन डिग्री, उसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन। अब देखें, डिग्री है, इसका ऑपोजिट करेंगे, 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो 15 डिग्री जो है ये कटिंग होगा, ऊपर तो पाई आ जाएगा, 15 1 15 और 16 17 30, 15 2 30, तो पाई ओवर 12 रेडियन आ जाएगा आंसर इसका। देखिए, 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग। 50 मीटर लॉन्ग आर्क है, यानी लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है 50 मीटर एंड सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है, 25
मीटर है, और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, थीटा करना है, फाइंड एंगल, जो कि रेडियन में फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है? रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं। देखें पीछे हम लोग फुल एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास 50 है, इक्वल आर हमारे पास 25 है, मल्टीप्लाई थीटा। 25 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा किसमें, 2 रेडियन आ जाएगा। आंसर रेडियन में ही करना था, रेडियन में ही चाहिए था हमें, तो आंसर आ गया 25। तो क्या होते हैं, 50 होते हैं। आठवां हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आर वेयर एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वही फार्मूला यूज करना है, एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, फाइंड हमने क्या करना है, आर करना है। तो एल इज इक्वल टू क्या है, 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और फाइंड क्या करना है, आर इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। अब देखें आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू है 45 डिग्री, इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पुट करें या मल्टीप्लाई करें 45 से 180 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 0.785, ये हो जाएगा रेडियन में। अब हमें फार्मूला पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल हमारे पास 56 है, आर फाइंड आउट करना है, और थीटा जो है वो है 0.785। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो 56 डिवाइडेड बाय 0.785 इज इक्वल टू आर, लिहाजा आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करें 56 को इससे तो 71.30, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है रिव्यू का, फाइंड टेन थीटा देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की टर्मिनल साइड है और हम लोगों के पास कॉस थीटा है 9/41, और फाइंड आउट हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड हम लोगों ने करना है टेन थीटा किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, एड शुगर टू कॉफ़ी के लिहाज से कॉस और कॉस का उल्टा सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, यहाँ पर नेगेटिव होती हैं। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू है 9/41, इसका मतलब है 9 जो है बेस है और 41 क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है बेस, और वाई है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमारे पास जी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जी हुई है 9 और जी दिया हुआ है क्या 41, तो वाई हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 41 है, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हमारे पास बेस है ना 9 का स्क्वायर प्लस वाई हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 41 का स्क्वायर लेंगे, 41 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल आ रहा है 1681, और 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस वाई स्क्वायर, 81 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
स्केयर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का स्केयर रूट ले लेंगे, तो स्केयर रूट लें 1600 का, तो आंसर क्या आएगा वाई का 40, वाई इज इक्वल टू 40। अब देखें कॉस थीटा और आपके पास क्या था, यहाँ पर इसकी वैल्यूज अब लिखते हैं, टैन फाइंड करना है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू था 9/41, तो सेम इसी तरह अब टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, टैन थीटा हमारे पास होता है 1/perpendicular/base, तो tan थीटा बराबर आएगा, परपेंडिकुलर y है और बेस x है, तो y हमारे पास क्या आया 40 और x हमारे पास क्या है, x हमने क्या फाइंड किया था, x हमारे पास था 9, तो ये हमारा आंसर है tan थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस 40/9। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखें बाकी रेशियोज दी हुई थी और एक हम लोगों ने फाइंड करनी थी। लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखें 10 क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूफ हम लोगों ने करना है, पी आर ओ वी प्रूफ डेट 1 - sin² θ × 1 + tan² θ = क्या है 1, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है। देखें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल क्या है 1 - sin² θ और 1 + tan² θ, तो 1 - sin² θ किसके इक्वल होता है cos थीटा स्क्वायर के, और 1 + tan² θ किसके इक्वल होता है secant² θ। ये सारे फार्मूले हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में अच्छी तरह किए हुए हैं। अब देखें cos थीटा स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई secant रूट होता है किसका cos का, तो ये भी cos थीटा स्क्वायर आ जाएगा, cos थीटा से कट गया इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड वैसे 1 है, हैंस प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसके साथ हमारे रिव्यू के 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं और यूनिट हमारा कंप्लीट।